अपने फ्रेंड के लापता हो जाने के बाद स्टेफनी उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर बहुत सारे ऐसे राज बाहर आए जो उसने सोचे भी नहीं थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल फेवर 2018 की एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एमिली को देखते हैं, जो एक मॉम है और व्लॉग चैनल चलाती है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, उसके स्कूल में उसकी लाइफ में बहुत अच्छे से पार्ट लेती है। उसकी स्कूल की एनर्जी देखकर दूसरे पेरेंट्स को भी लगता है कि वो भी उसकी तरह ये सब कर पाते। स्टेफनी के सन का एक फ्रेंड बन गया था, उसके साथ आज वो टाइम स्पेंड करना चाहता था। स्टेफनी को पहले उस फ्रेंड की मदर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हमारी और एक मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है एमिली, और वो बहुत ही पावरफुल जॉब पर होती है। उसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। एमिली के बेटे ने बहुत ही जिद की कि आज वो स्टेफनी के बेटे के साथ खेलना चाहता था। एमिली पहले इसके लिए मना करती है पर वो मानता ही नहीं, तो उसने स्टेफनी को पूछा क्या तुम ड्रिंक करती हो। स्टेफनी कभी कभी करती है तो इसके लिए उसके साथ उसे लेकर जाती है। स्टेफनी हमेशा सबके साथ बहुत सारी बातें करती है। घर में आने के बाद एमिली की एक अजीब सी पेंटिंग उसने देखी। एमिली कहती है मुझे लगा था कि पेंटर बहुत बड़ी पेंटर बनेगी, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। एमिली का हाउस स्टेफनी को बहुत पसंद आया था। एमिली ने कहा कि मैं इसे सेल करना चाहती हूँ, पर इसे कोई भी बाय नहीं कर रहा। उसने फिर म्यूजिक लगाया और स्टेफनी इस पर डांस करने लग गई। एमिली को देखकर अच्छा लगता है। एमिली स्टेफनी को उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। एमिली ने अपने हस्बैंड के बारे में बताते हुए उसे कहा कि वो एक बुक राइटर था, पर पिछले 10 सालों से उसने कुछ भी बुक नहीं लिखी। थोड़ी देर में एमिली का हस्बैंड शॉन घर पर आता है। उन दोनों में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी, एक दूसरे को थोड़े से भी दूर नहीं छोड़ते थे। जाते जाते स्टेफनी कहती है कि अगर बच्चों को संभालने में कभी भी तुम्हें हेल्प लगे तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती। यही हेल्प एमिली एक दिन उसे मांग लेती है। वो बाद में काम से वापस आए और अपने बेटे को खेलता हुआ देख रही थी तो स्टेफनी उसकी फ़ोटो लेती है। ये बात एमिली को अच्छी नहीं लगती, उस पर गुस्सा हो गई और इस फोटो को उसने डिलीट करने के लिए कहा। इसके बाद घर जाकर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। एमिली हमेशा बहुत ही पावरफुल लगती है, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसकी स्मेल, ये सब स्टेफनी को अच्छे लगते हैं। एमिली कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, इतने सालों तक इस वर्ल्ड में तुम टिकी कैसे। स्टेफनी कहती है कि सबकी डार्क साइड होती है, सिर्फ हम छुपा कर रखते हैं। एमिली इसमें इंटरेस्टेड हो गई तो स्टेफनी ने अपनी स्टोरी सुनाई। जब स्टेफनी के फादर की डेथ हो गई थी तो उनके घर पर एक लड़का आया जो उसके फादर की तरह ही दिखता था। उसे फिर पता चला कि उसका स्टेप ब्रदर है। वो अपने फादर की डेथ से बहुत ही अपसेट थी। उसका स्टेप ब्रदर कुछ दिनों के लिए उनके घर पर ही रहता है। स्टेफनी को अपने फादर की वो बहुत ही याद दिलाता था। एक दिन ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये सब सुनने के बाद एमिली उसका बहुत मजाक उड़ाती है। इसके बाद और कुछ दिन बीत जाते हैं। एमिली ने फिर से स्टेफनी के अपने बेटे पर ध्यान रखने के लिए हेल्प ली। वो रात में घर आने वाली थी पर वो आती ही नहीं। अगले दिन स्टेफनी ने एमिली को कॉल करने की कोशिश की पर उसका कॉल भी लग नहीं रहा था। वो फिर उसके ऑफिस को कॉल करती है जहाँ से उन्हें पता चला कि एमिली पेरिस गई है। स्टेफनी ने फिर शॉन को कॉल लगा। शॉन अलग कंट्री में अपनी मदर के पास था क्योंकि उसके मदर को इंजरी हो गई थी। शॉन कहता है कि एमिली ने पहले भी ऐसा किया हुआ है। वो उसे सॉरी कहता है और तुरंत घर आ जाता है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एमिली अब तक वापस क्यों नहीं आई, उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता। स्टेफनी ने कहा कि हमें पुलिस से बात करनी चाहिए और ये रिपोर्ट कर देते हैं। हमेशा वाइफ के गायब होने पर हस्बैंड पर ही शक किया जाता है, तो पुलिस भी शॉन पर शक कर रहे थे। शॉन स्टेफनी से कहता है कि एमिली बहुत ही मिस्टीरियस है, मैं कभी भी उसे फिगर आउट नहीं कर पाता, शायद इसी वजह से मुझे उससे प्यार हो गया था। आज रात जरा लेट हो गया तो स्टेफनी उसे यहीं पर सोने के लिए कहती है। सुबह होने पर वो सबके लिए जल्दी उठकर स्मूदीज बनाता है। स्टेफनी को यह सब बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में अपने व्लॉग में बताती रहती है, एमिली के गायब होने के बारे में भी बता देती है। उसने डिसाइड किया कि वो खुद अब एमिली का पता निकालेगी, तो डायरेक्टली उसके ऑफिस में पहुंच गए। उसके बॉस से वो बात करना चाहती थी पर वो ज़रा बिजी था, तो जब वो ऑफिस में आ रहा था तो उसे डायरेक्टली वो घेर लेती है। स्टेफनी कहती कि एमिली बहुत दिनों से गायब है और आप लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एमिली का बॉस डेनिस कहता है कि अगर एमिली को कहीं पर जाना है तो चली जाती है, वो किसी से भी पूछती नहीं और हम भी डर कर उसे कभी भी पूछते नहीं है। वो स्टेफनी को ज़्यादा भाव नहीं देता और यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। स्टेफनी को कुछ भी कर एमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी तो ज़बरदस्ती वो ऑफिस में घुस गई। एमिली का ऑफिस उसने चेक किया तो एक इन्वेलोप में उसे एक अजीब सी इमेज उसकी मिली।
इसमें लिखा था तुम्हारे पास फेथ होनी चाहिए। यही मिलने के बाद एमिली बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। स्टेफनी को डेनिस ऑफिस में पकड़ लेता है, उस पर वो आवाज़ करने लग गया। तो स्टेफनी को एमिली की बात याद आए, उसने कहा था कि अगर तुम्हें आदमियों से डील करना है तुम्हें बहुत ही पावरफुल रहना पड़ेगा, डायरेक्टली तुम उन्हें कन्फ्रंट कर सकती हो। स्टेफनी उसी तरीके से डेनिस को कन्फ्रंट करती है और फिर वहाँ से चली गई। वो फिर हर जगह पर एमिली की मिसिंग होने की फोटोज़ लगाती है। बेचारा शॉन अकेला था तो उसके घर में उसके लिए खाना बनाती है, बच्चों का ख्याल रख रही थी। एक दिन केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर पर डिटेक्टिव आए, उन्होंने स्टेफनी को देखा और उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। इस तरीके की किसी की भी फ्रेंड नहीं होती जो घर में इतना सारा हेल्प कर सके। डिरेक्टिव ने कहा कि हर जगह पर हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर अब तक कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। डिरेक्टिव के जाने के बाद शॉन स्टेफनी को थैंक यू कहता है, उसके लिए वो बहुत कुछ कर रही थी। अपने व्लॉग की वजह से स्टेफनी को एक न्यूज़ मिली कि किसी ने एमिली को मिशिगन में देखा हुआ था। ये बात शॉन को बताते हुए उन्हें एक कॉल आता है, एमिली को पुलिस ने एक लेक में ढूंढ लिया था, लेक में डूब कर उसकी डेथ हो चुकी थी। शॉन ने उसे आइडेंटिफाई किया और वो बहुत रोता है। फ्यूनरल वगैरह सारी चीज़ों में स्टेफनी उसे हेल्प कर रही थी। एमिली का बेटा अब भी कह रहा था कि मेरी मदर जिंदा है, पर स्टेफनी का बेटा उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया। शॉन अपने बेटे को संभालने के लिए जाता है तो उसे भी उसने बहुत भला बुरा कहा। इन सब बातों से वो भी डिस्टर्ब हो गया था। स्टेफनी उसके बेटे को समझाती है कि तुम ज़रा डिस्टर्ब हो, इसी वजह से ये सब कह रहे हो, पर तुम एक अच्छे बच्चे हो। शॉन अपसेट था तो स्टेफनी उसके पास गए, उसे गले लगा लिया। इतने करीब थे तो एक दूसरे को किस कर लेते हैं, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब स्टेफनी बहुत सारा टाइम यही पर स्पेंड कर दी थी। एक दिन एमिली के वार्डरोब से उसकी ड्रेस उसने पहन ली। अचानक से डायरेक्टिव घर पर आ गया, वो इस ड्रेस को निकाल नहीं पाती तो वैसे उसे मिली। डायरेक्टिव उसे पूछता है क्या एमिली डिप्रेस थी, उसने मरने से पहले बहुत सारे ड्रग्स किए थे। स्टेफनी कहती कि एमिली ने कभी भी ड्रग्स नहीं लिए थे, अगर लिए होते तो उसे पता होता। डायरेक्टिव कहता है तुम शॉन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही हो। स्टेफनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड हूँ, पर डायरेक्टिव ने कहा कि शॉन के पास $4 मिलियन की पॉलिसी है, एमिली के मरने के बाद ही उसे सारे पैसे मिलने वाले थे, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। स्टेफनी को इसका कुछ भी आइडिया नहीं था। घर में फिर स्टेफनी ने इसके पेपर्स ढूंढ लिए। वो कॉलेज में शॉन से मिलने के लिए गई तो शॉन किसी और लड़की के साथ बात कर रहा था। स्टेफनी को ये बहुत ही अजीब लगता है। घर पर यह सब जब लंच कर रहे थे तो एमिली के बेटा कहता है कि मैं मदर से मिला था, इस बात के लिए उसे कोई भी सीरियसली लेता नहीं। स्टेफनी से अपसेट हो गई तो शॉन पूछता है कि क्या हुआ। स्टेफनी ने कहा कि मुझे एमिली का परफ्यूम हर जगह पर महसूस होता है। शॉन कहता है कि मैंने उसकी डेड बॉडी देखी, इस तरीके से कुछ भी मत सोचो, एमिली मेरे साथ हमेशा गेम्स खेलती रहती थी। एक बार उसकी मदर की बहुत ही वैल्यूबल रिंग गायब हो गई, बाद में प्लेन में उसे पता चला कि एमिली ने ले ली थी, ये वो वापस भी नहीं करने वाली थी। शॉन को उसने ब्लैकमेल किया था। शॉन ने कहा कि वो हमेशा मुझे तंग ही करती रही, पर अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने फिर से राइटिंग भी स्टार्ट कर दिया। एमिली को भी सुनकर अच्छा लगता है। स्टेफनी ने डिसाइड किया कि एमिली के सारे कपड़े वो फेंक देगी, उसने फेंक दिए थे पर फिर बाद में फिर से उसके क्लॉजेट में सब आ गए, इससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। एक दिन ड्राइव करते हुए एमिली के बेटे ने कहा कि मदर ने तुम्हारे लिए दिया हुआ है, इसमें स्टेफनी और उसके स्टेप ब्रदर की फ़ोटो थी, इससे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। एक दिन स्टेफनी को एमिली का कॉल आता है, उसने कहा मैं तुम पर नज़र रख रही हूँ, ये जो भी हो रहा था इसके बारे में स्टेफनी ने शॉन से बात की। तो शॉन कहता है तुम ग्रीफ में हो, ये सब चीज़ें तुम इमेजिन कर रही हो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें एमिली और स्टेफनी बात कर रही थी, जिस दिन स्टेफनी के ब्रदर और हस्बैंड की डेथ हुई इसके बारे में उसे बताती है। घर पर कुछ फंक्शन था तो सब लोग मिलने के लिए आए हुए थे। जब स्टेप ब्रदर स्टेफनी से मिला तो स्टेफनी के हस्बैंड को लगता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसे लेकर हस्बैंड ने उसे कन्फ्रंट किया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो स्टेप ब्रदर को कन्फ्रंट करने के लिए गाड़ी में बिठा कर उसे कहीं लेकर गया। यही जाते वक्त शायद उन दोनों में फाइट हो गई और इसी वजह से उसने गाड़ी टकरा दी, इसमें उन दोनों की डेथ हो गई थी। स्टेफनी खुद को इसके लिए जिम्मेदार मान दी थी। एमिली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ अकेली हो इस वजह से इस तरीके से सोच रही हो। ये सब सोचते हुए स्टेफनी ने एमिली की पेंटिंग देखी, वहाँ पर आर्टिस्ट का नाम छुपा हुआ था। ये वो निकाल कर डायरेक्टली आर्टिस्ट से मिलने के लिए आ गए। ये पेंटिंग दिखाकर एमिली को लेकर उसे बात करती है। आर्टिस्ट ने कहा कि उसका नाम एमिली नहीं था, जब वो यंग थी तब एमिली से मिली थी, उसकी ब्यूटी में वो पूरी तरीके से खो गई थी, वो हमेशा उसे ही पेंट करती थी,
इस वजह से अपना करियर उसने बर्बाद कर दिया। एक दिन अचानक से एमिली उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। स्टेफनी और भी जानना चाहती थी तो आर्टिस्ट ने उसकी एक टी शर्ट उसे दे दी। एमिली की टी शर्ट पर एक लेक का नाम था तो डायरेक्टली स्टेफनी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो स्टाफ से बात कर बहुत ही चालाकी से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए थे इन सारी फ़ोटोज़ देखने की रिक्वेस्ट करती है। इन फोटोज़ में उसे एमिली की फ़ोटो मिल गई, पर एमिली के साथ उसके सिस्टर भी थी जिसका नाम था फेथ। एमिली के ऑफिस में स्टेफनी को जो फ़ोटो मिली थी इस पर भी लिखा था तुम्हारे पास फेथ होनी चाहिए। अब स्टेफनी को एमिली का रियल नेम पता था तो उसके घर का एड्रेस वो निकाल लेती है और डायरेक्टली उन्हें मिलने के लिए चली गई। एमिली के पेरेंट्स किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं करते थे तो फादर के जाने के बाद मदर के पास एमिली जाती है। मदर की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं थी तो स्टेफनी ने कहा मैं सारा क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ। घर में स्टेफनी ने एमिली के सिस्टर की और भी फोटोज़ देखी, वो दोनों बहुत ही सेम दिखती थी। स्टेफनी ने एमिली की मदर से उसके बारे में पूछा। मदर कहती कि एमिली की सिस्टर फेथ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती थी, उसे तंग आ चुकी थी। जब वो दोनों सिस्टर घर से निकली तो घर को आग लगा कर गई थी। यह सब पता चलने के बाद स्टेफनी श्योर हो गई कि जिसकी डेड बॉडी मिली थी वो एमिली नहीं थी। स्टेफनी फिर अपने व्लॉग से इनडायरेक्टली एमिली को मैसेज देती है कि उसे पता है कि वो जिंदा है। घर आकर स्टेफनी ने इंश्योरेंस वालों को कॉल कर दिया। एक दिन एक जगह पर शॉन को किसी ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था। वहाँ पर जाता है तो डायरेक्टली एमिली उसके सामने आ गई। वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गया। एमिली भी उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसने स्टेफनी के साथ अफेयर किया। वो पूछता है कि तुमने ये सब किया क्यों। एमिली कहती कि $4 million के लिए। वो सारी चीज़ों से तंग आ गई थी, पैसे लेकर भागना चाहती थी। शॉन कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एमिली कहती है तुम कुछ भी सीक्रेट रख नहीं पाते। शॉन जब घर पर आया तो स्टेफनी इंश्योरेंस वालों से बात कर रही थी। सब कुछ उसे बता देने के बाद इंश्योरेंस के पैसे अब नहीं आने वाले। स्टेफनी शॉन पर भी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे झूठा कहा था। अपने व्लॉग की मदद से स्टेफनी ने एमिली को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। स्टेफनी उससे कहती कि मैं तुम्हारी मदर से मिली, एक्चुअल में हुआ क्या था। एमिली ने कहा कि जब हम टीनेजर थे तो फेथ बहुत सारा ट्रबल क्रिएट करती थी तो हमारे फादर हमें बहुत मारा करते थे। इन सब से ये दोनों बहुत तंग आ गए तो एक दिन डायरेक्टली घर को जलाकर हमेशा के लिए वहाँ से भाग गए। इन दोनों को न्यूज़ पर दिखाया गया था तो एक साथ अब ये नहीं रह सकती थी तो इस वजह से अलग अलग रास्ते पर चली गई। स्टेफनी कहती कि मुझे बताया कि तुमने अपनी सिस्टर को मार डाला। एमिली ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से एक दिन फेथ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उसे पता था कि अब मैं रिच हूँ, उस वजह से फेथ ने एमिली को ब्लैकमेल किया, उससे $1 million मांगे। स्टेफनी कहती कि मैं उसे देने के लिए रेडी थी। उसके बाद ये दोनों लेक में स्विम करने के लिए गए हुए थे। एमिली कहती कि स्विमिंग करते हुए फेथ पानी से बाहर आई ही नहीं, पर ये झूठ था, एमिली ने फेथ को मार डाला था। स्टेफनी एमिली की स्टोरी पर बिलीव नहीं करती। एमिली ने कहा कि तुमने इंश्योरेंस को तो बर्बाद कर दिया पर मेरे पास एक प्लान है। स्टेफनी फिर रात में जाकर शॉन के पीछे में कुछ फाइल्स डालती है। इसे पुलिस को लगेगा कि वो भी एमिली के साथ शामिल था। अगले दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। एमिली खुद को इंजोर कर दिया और पुलिस के पास जाती है। उसने पुलिस से कहा कि शॉन ने यह सब प्लान किया था, उसने मुझे मारकर ज़बरदस्ती ये सब करने के लिए कहा था। जब शॉन को बेल मिली तो एमिली के पास आता है। एमिली उसे देखकर सरप्राइज थी। अचानक से यहाँ पर स्टेफनी भी आ गई। वो शॉन पर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसने सिर्फ उसे यूज़ किया। स्टेफनी एमिली से कहती है कि शॉन ने तुम्हारी सिस्टर को भी मारा है, अब हम इसे मार डालते हैं। उसने गन निकाली और शॉन को शूट कर दिया। एमिली ये सब देखकर हंसने लग गई, कहती कि नाटक बंद कर दो, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है, मैं इस तरीके से कन्फेस नहीं करने वाली। ये एक्चुअल में स्टेफनी और शॉन का एमिली से कन्फेशन लेने का प्लान था तो शॉन भी उठ जाता है। स्टेफनी कहती कि पर तुमने तो कन्फेशन कर दिया। एमिली ने कहा कि मैंने पहले ही घर से सब कुछ कैमरे वगैरह निकाल लिए थे, पुलिस को बड़ी चालाकी से उसने किसी और घर में ही भेज दिया है। वो फिर अपनी गन निकाल दिए, उसने शॉन को शूट कर दिया। वो कहती कि शॉन के मरने के बाद मुझे फिर से $4 million मिल जाएंगे। वो स्टेफनी को भी मारने वाली थी पर स्टेफनी कहती है तुमने अभी अभी जो भी किया ये मेरे व्लॉग पर मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। उसने अपने शर्ट के बटन में कैमरा छुपाया हुआ था। ये देखकर एमिली बहुत ही ज़्यादा डर के जल्दी से वहाँ से भागने लग गई। स्टेफनी उसके पीछे पीछे गई तो एमिली उसे भी मारने वाली थी पर स्टेफनी का एक सब्सक्राइबर आकर एमिली को गाड़ी से टकरा देता है। उसे फिर जेल में डाल दिया गया था। शॉन को भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो वो भी रिकवर हो गया। इसके बाद शॉन ने बुक लिखी जो बहुत ही फेमस हो गई थी। ये सारा कुछ स्टेफनी अपने व्लॉग में बता रही थी तो उसके भी 1 million followers हो गए।
एमिली ने जेल की लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर ली थी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।